नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव के बारे में। बिहार में विधानसभा चुनाव 2020 समाप्त होने के बाद से विपक्ष एक बार फिर से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल उठा रही है। ऐसे में अब बिहार सरकार ने ईवीएम के जरिए पंचायत चुनाव 2021 कराने पर विचार कर रही है। आपको बता दें कि बिहार में अगले साल मार्च में पंचायत चुनाव होना है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज विभाग को ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराने का प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि ईवीएम से चुनाव में अधिक पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी। अगर इस बार ईवीएम से चुनाव होता है तो त्रिस्तरीय ग्रामीण स्थानीय निकायों में 2.58 लाख पदों को भरने के लिए यह पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मतदान होगा। वहीं अगर चुनाव में होने वाले खर्च की बात की जाए तो बिहार में पंचायत चुनाव की अनुमानित लागत 392 करोड़ रुपये होगी, जो कि 2016 के पंचायत चुनावों के लिए नए खर्च की तुलना में 142 करोड़ रुपये अधिक होगी। आधिकारिक सूत्रों की माने तो 2016 पंचायत चुनाव में राज्य सरकार ने 250 करोड़ रुपये खर्च किए थे। राज्य चुनाव आयोग ने पंचायती राज विभाग को ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराने का प्रस्ताव भेजा था, जिसमें तर्क दिया था कि इससे अधिक पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी, मतगणना धांधली की जांच होगी और इसमें धांधली की भी संभावना कम होगी। पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि हमें एसीसी से प्रस्ताव मिला है और हम इस पर विचार कर रहे हैं। प्रदेश में अब तक पंचायत चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से होता रहा है। प्रदेश में पंचायत चुनाव पार्टी लाइन पर नहीं होता है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो पंचायती राज विभाग में चुनाव के लिए विशेष प्रकार की मशीनों का निर्माण करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बेंगलोर ईवीएम की आवश्यकता के संबंध में तौर तरीकों पर काम कर रही है। इस चुनाव में मतदाताओं को वोटिंग के दौरान मतपत्रों के 6 सेट मिलते हैं। अब अगर ईवीएम का उपयोग किया जाएगा तो वोटर्स को 6 पदों के लिए मतदान की ईवीएम के 6 बटन दबाने होंगे। आपको बता दें कि प्रदेश में कुल 8,387 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें से 534 पंचायत समितियां हैं और 38 जिला परिषद हैं। ग्राम पंचायतों में कम से कम 1.15 लाख वार्ड सदस्य हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन इस बार विधानसभा और संसदीय चुनावों की तरह पंचायत चुनाव में भी विभाग की वेबसाइट पर उम्मीदवारों के नामांकन पत्र दाखिल करने समेत उम्मीदवारों की आय, संपत्ति और व्यक्तिगत प्रोफाइल का विवरण अपलोड करने पर विचार कर रहा है। कहा जा रहा है कि इससे लोगों को जनप्रतिनिधियों और उम्मीदवारों के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया मार्च के बाद से शुरू हो जाएगी। 2016 पंचायत चुनाव अप्रैल से लेकर मई तक 10 चरणों में आयोजित किया गया था, जो कि जून के मध्य तक जारी रहा था। इस बार पंचायत चुनाव में 1.19 लाख तक मतदान केंद्र बनाए जाने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि प्रत्येक बूथ पर अधिकतम 700 लोग ही मतदान कर सकते हैं। बिहार से जुड़े ऐसे ही और भी ताजातरीन वीडियो के लिए बने रहे बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।